मॉर्निंग दोस्तों, आज हम साथ में पढ़ेंगे एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, इतिहास की हम बात करते हैं तो आज पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता का जो समय अवधि मानी है वैज्ञानिकों ने अपने शोधों के द्वारा और विभिन्न हिंदू ग्रंथों के माध्यम से भी, इस सभ्यता की जो इतिहास है उसके सभी तत्वों की जानकारी के बाद इस सभ्यता का जो समय है वो लगभग 3500 ईस्वी ईसा पूर्व यानी कि महात्मा ईसा जब जन्म लिए थे उससे 3500 साल पहले से लेकर 1750 साल पहले तक का इसका समय माना जाता है। और ये जो उसका कालखंड है वो निकाला गया है कार्बन डेटिंग पद्धति से निकाला गया इसका समय है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी। तो दोनों में अंतर क्या है, जो सामान्यतः माना जाता है वो माना जाता है 3500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, लेकिन कार्बन डेटिंग जो पद्धति है किसी चीज़ की उम्र ज्ञात करने के बारे में, उसके अनुसार इसका जो समय माना गया है वो माना गया है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व का, यानी कि लगभग 1100 से 1200 वर्ष का अंतर पहले या बाद का आता है अनुमान में और कार्बन डेटिंग में। यह एक कांस्य युगीन ब्रॉन्ज एज, जैसे अलग अलग एज में प्राचीन एशियंट हिस्ट्री है उसको अलग अलग समय में बांटा गया है, किसी को ब्रॉन्ज एज कहते हैं, आयरन एज, सिल्वर एज। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये ब्रॉन्ज एज ये कांस्य युग की सभ्यता थी, जिसमें सर्वप्रथम एक अंग्रेज चार्ल्स मेनन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थान पर एक पुरास्थल के रूप में पहचाना। हड़प्पा, जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हड़प्पा इस समय भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान का जो हिस्सा था, भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो हड़प्पा पाकिस्तान के में है, इस समय सिंध प्रांत में हड़प्पा पड़ता है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेनन नाम के व्यक्ति को इसकी हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के क्षेत्र में पनपी, यानी कि जो सभ्यता थी इसके जो नगर थे वो कहाँ पर बसे हुए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे। सिंधु घाटी जो नदी थी, सिंधु नदी के किनारे पर ये बसे हुए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हुई उसका मुख्य श्रेय जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने सन 1921 में सबसे पहले सर जॉन मार्शल बनर्जी के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग जो था उसके महानिदेशक थे कौन, सर जॉन मार्शल, उन्होंने 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इस स्थल का उत्खनन किया था। इस सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था, ये जो सभ्यता खुदाई में मिली है वो त्रिभुजाकार में बसी हुई थी, यानी कि नीचे अगर एक समतल धरा है तो समतल धरा से आगे बढ़ते हुए वो दोनों सिरे उसके मिले हुए थे, जैसे त्रिभुज का आकार होता है उस तरह की खुदाई में सभ्यता का पता लगा है। भारत में सर्वप्रथम जो नगरीय क्रांति की सभ्यता माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसमें हमें आधुनिक शहरों से भी बड़े, विशाल और अच्छी टेक्नोलॉजी से युक्त 8 शहरों के बारे में अब तक जानकारी प्राप्त हुई है। इन 8 शहरों के नाम इस प्रकार हैं। पहला शहर है हड़प्पा,